एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया में अगर सबसे कोई पावरफुल वेपन है जिससे दुनिया बदल सकते हो, उस हथियार का नाम है दोस्तों एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता स्कूल एजुकेशन बट की होता है, अगर आपको दुनियादारी के बारे में पता है, इफ़ यू गेट एन आइडिया अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड वॉट इज़ इन स्टोर फॉर द फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम गाइज, माई नेम इज़ कुश पांडे एंड यू वॉचिंग द डेली करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू। आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। दिस इज़ द 16th एंड द 17th ऑफ ऑगस्ट एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन इन दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ आर डिस्कशन गाइस एंड शुरू करते हैं हमारे आज की चर्चा को आपके साथ। शुरू करने से पहले गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट है, एवरीवन प्लीज़ बी रेगुलर इन 8 AM एंड 4 PM सेशंस, बिकॉज ये दो सेशंस कंबाइन करके आपको कहीं भी किसी वेबसाइट पर किसी यूट्यूब चैनल को या कोई भी करंट अफेयर्स PDF पढ़ना नहीं पड़ेगा 8 AM एंड 4 PM। प्लीज़ बी रेगुलर इन दीज सेशंस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट गाइस एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। आज के हमारे जो चैंपियन चैंपियंस हैं उनका नाम है विपुल मिश्रा। ही इज़ राइट नाउ गाइस द चैंपियन ऑफ चैंपियंस एंड ये नंबर वन पे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग फोर आपके सामने रहे, फैज़, सुनैना, अस्मिता एंड मिली। दीज आर द रिमेनिंग फोर चैम्पियन ऑफ चैम्पियन जो कि आपके सामने हैं। जुलाई करंट अफेयर्स आपका इस संडे को आएगा, परेशान ना हो, जुलाई करंट अफेयर्स विल बी लाइव दिस संडे। ऑलराइट, ओके, रिमेनिंग जो 10 आपके चैम्पियंस हैं, श्याम, तानिया, लोकेश, पायल, मुस्कान, शैलेश, पीयूष, दीक्षा, बिल्ला एंड पॉलोमी। ऑलराइट, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द टॉप 15 चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। लेट्स स्टार्ट गाइज, टूडेज इंडियन ऑफ द डे इज़ MS धोनी। ऑफकोर्स और कौन हो सकता है, इट हैज़ टू बी MS धोनी गाइज। ही रिटायर्ड एट 7:29 PM डे बिफोर यस्टरडे एंड MSD इज लव, MSD इज़ अ इमोशन, MSD इज़ एन एरा गाइज। हिज प्लेस कैन नॉट एंड शैल नॉट एवर बी रिप्लेस्ड। सो we from grade up and also from my side wish the best of luck to the legend of Indian cricket, that is Mr. Mahendra Singh Dhoni. आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को एंड फिर हम इसके पार्ट वन और क्विज को भी यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन गाइस। पर उससे पहले गाइस आई वुड वांट एवरीवन टू गिव मी अ थम्स अप। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आई वांट एवरीवन टू प्लीज़ कॉपी द लिंक ऑफ द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि मैक्सिमम लोगों तक आपका ये वीडियो जो है वो पहुँच सके। चलिए, तो ये रहा आपके सामने हमारी वो स्लाइड जो कि आप स्क्रीन पर भी दोस्तों देख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द हेरिटेज साइट्स गाइस, ये आपके सामने देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है, अजंता केव्स आर इन महाराष्ट्र, एलोरा केव्स आल्सो गाइस आर इन महाराष्ट्र, आगरा फोर्ट इज़ इन उत्तर प्रदेश, सन टेंपल इज़ इन उड़ीसा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम गाइस इट इज़ इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ इन द स्टेट ऑफ असम। Similarly guys, we have the Manas National Park in Assam and we have the Keledio Ghana National Park which is also in the state of Assam and sorry Rajasthan, and churches and convents aapka jo hai that is in the state of Goa. Alright, so I'll give you 10 seconds. In the meantime guys, please follow our Telegram channel. यहाँ पर PDF मिलेगा, क्विज मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपका। इन द मीन टाइम गाइज फटाफट वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करिए। सो आई होप एवरीवन इज तैयार। सो शैल वी डिस्कस द क्वेश्चंस गाइज, गिव मी अ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सो लेट्स डिस्कस गाइज द क्वेश्चंस एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर वन। अजंता केव्स आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से किस राज्य में आपके अजंता केव्स हैं। एंड द आंसर इज इट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको अजंता केव जो हैं वो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, विच हेरिटेज साइट एंड टाउन शैल बी कम्प्लीटली रन बाय सोलर एनर्जी, इनमें से कौन सा हेरिटेज साइट और टाउन आपका कम्प्लीटली रन किया जाएगा बाय सोलर एनर्जी। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ कोणार्क सन टेम्पल, जो कहाँ पर है आपका, इन विच स्टेट गाइस। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, इस वजह से आपका ये न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इंडियन राइनो इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ विच हेरिटेज साइट और नेशनल पार्क इन असम। मैंने सवाल बहुत ही आसान कर दिया है, भारतीय राइनो जो है, जो वन हॉर्न राइनो है, वो इनमें से किस हेरिटेज साइट या नेशनल पार्क की स्पेशलिटी है। इसका आंसर है दोस्तों आपका काजीरंगा, मानस की भी है पर ऑप्शन आपका काजीरंगा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स इन द इज द हेरिटेज साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से किस राज्य का आपका चर्चेज एंड कॉन्वेंट जो है वो आपका हेरिटेज साइट है। एंड द आंसर इज गोवा है आपका। क्वेश्चन नंबर फाइव, केलेदियो घाना और भरतपुर नेशनल पार्क
इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच स्टेट, किस राज्य में आपका केले द्वीप खाना है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज राजस्थान. सो जिन लोगों ने 515 स्कोर किया है गिव मी अ थम्स अप. और इसका मतलब है दोस्त पीपल हैव अ वेरी गुड मेमोरी बिकॉज वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्राब करते हैं. अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है प्लीज़ मेक नोट्स गाइज. मैं सबसे कहता हूँ गिव मी वन वीक आई विल मेक योर इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स ग्रो फ्रॉम दिस टू दिस. मैं आपको इस लेवल से लेकर इस लेवल तक पहुँचा दूंगा, पर मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है एक हफ्ता मेरे को दीजिए. ऑलराइट, चलिए अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पर. ज़रा एक बार एवरीवन ऑल ऑफ माय रेगुलर व्यूअर्स ज़रा फटाफट लिंक को कॉपी कर दो. हमें आज 1000 क्रॉस करना है अगस्त महीने में, तो कुछ भी करके हमें आज कोशिश करनी है 700 क्रॉस करने की. नंबर वन, येस नॉट ही इनफाइनाइट टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड गाइज प्लीज़ गिव मी अ लव साइन जल्दी से फटाफट. ऑल राइट, यस क्या बात है, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर वन. पर उससे पहले गाइज ये लिंक है मेरा, प्लीज़ सबको ज्वाइन करना है, कराइए सबको ज्वाइन. कान पकड़ के कराइए, पर कराना सबको है आपको इसके अंदर ज्वाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का जो छठवां आपका शेड्यूल है भारतीय संविधान का, उसमें से इनमें कौन सा प्रदेश हिस्सा नहीं है? असम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम. इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर मेरे कुछ आपसे क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे पहले ऐड करना पड़ेगा अपने टैबलेट को. जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस. हाँ, तो आइए ज़रा इन क्वेश्चंस को आपके सामने ज़रा डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, स्लिदरिन पाइथन और स्लिदरिन वाइपर और स्लिदरिंग करके एक आपका एक जंतु है, ये किस स्टेट में पाया गया था? द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ अरुणाचल पक्के रिजर्व. क्वेश्चन नंबर टू गाइस, धनवंतरी स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट. इनमें से किस स्टेट से आपकी धनवंतरी स्कीम है? द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ असम. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, लाई हराउबा इज अ फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. लाई हराउबा इनमें से किस राज्य का आपका फेस्टिवल है? द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज त्रिपुरा. एंड क्वेश्चन नंबर फोर गाइज, चापचार कूट, ये सवाल आपके SBI, SSC, बैंक, रेलवे, UPSC में आते हैं और डिफेंस में भी आते हैं. इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज मिजोरम. बिल्कुल सही, मेघालय नहीं है, मिजोरम आपका आंसर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following committee is concerned with limiting the autonomy of in the tribal regions of Northeast? इनमें से दोस्तों वो कौन सा समिति है जो ट्राइबल रीजन्स में जो ऑटोनॉमी है, जो एक स्वायत्ता है ट्राइबल रीजन्स की, उन्हें कम करने की, लिमिट करने की बात पे है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ बोर्डोलोई. मेरे को बताओ BP शर्मा और BP सरना कमेटी किससे कंसर्न है? बिल्कुल सिक्स, ये आपका असम से कंसर्न है. असम का जो क्लॉज सिक्स है उससे आपका ये कंसर्न है. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. प्लीज़ टेल मी RN रवि इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट. RN रवि जो हैं वो किस स्टेट के आपके दोस्तों गवर्नर हैं? नागालैंड के, अरुणाचल के, किसके गवर्नर हैं आपके आपके RN रवि? फटाफट, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, इट इज़ नागालैंड. बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका. ठीक है, वन सेकेंड. ओके, चाय आ गई इधर. हाँ, से थर्ड क्वेश्चन है, जगदीश मुखी इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट. द आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ असम. एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, राधे श्याम माथुर किसके हैं? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, LADAKH, लद्दाख के आपके गवर्नर हैं. गाइस फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो, हमें पहले 500 क्रॉस करना है, फिर 600 और आज 700 की कोशिश करनी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हु वॉज द प्रिंसिपल डिज़ाइनर ऑफ द इंडियन फ्लैग? भारतीय फ्लैग का प्रिंसिपल डिज़ाइनर इनमें से दोस्तों कौन थे? मादाम कामा, महात्मा गांधी, पिंगाली वेंकैया या फिर दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू या फिर आपके दोस्तों एनी बेसेंट? कौन दोस्तों गवर्नर थे इस पर्टिकुलर फ्लैग के? फटाफट बताइए, जल्दी बताइएगा ताकि हम इसको यहाँ पर डिस्कस भी कर पाएँ. कौन थे दोस्तों इसके आपके डिज़ाइनर? फटाफट बताइएगा, आई विल गिव यू 5 सेकंड मोर गाइस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फटाफट बताइए कौन गवर्नर थे इस पर्टिकुलर स्टेट के, जल्दी से बताइएगा. येस, एंड द आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ बंगाली वेंकैया. अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, यानी सवाल थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है. द वाइट बैंड इन द फ्लैग वॉज सजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किसने दोस्तों वाइट बैंड को सजेस्ट किया था, विच बेसिकली मीन्स पीस एंड एंड प्रॉस्पेरिटी? द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ महात्मा गांधी. ओके, भारत का फर्स्ट नेशनल फ्लैग आपका कब होस्ट हुआ था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है. When did the first national flag get hoisted? Those people who were regular viewers, those people who were present on Saturday, उनको ही इसका आंसर आता होगा. जो लोग कैजुअल हैं, जिनको सीरियस नहीं है एग्जाम को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर, उनको नहीं आएगा. इसका आंसर इज 1906, मार्क कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, एनी बेसेंट फर्ल्ड द
the national flag in which year? Rani Besant ne hal hi mein kya Rani Besant ne kab aapka national flag ko foil kiya tha? The answer is 1917. Question 4. Out of the following options, guys, who is the person who furled the first national flag outside India? Ya pehla national flag videsh mein par inme se kisne dosto phehraya tha? Uska answer hai aapka option A, that is madam kama ne wo kaam dosto kiya tha. Sabko answer aa gaya hai. Give me a thumbs up. Yes sir, 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 yes sir. Chaliye agle question pe chalte hain, jo ki ye raha. What is the shape of our national flag? Square, rectangular, ट्राइंगुलर, एलिप्टिकल और नन ऑफ दीज. भारत की जो नेशनल फ्लैग है उसका शेप क्या है, जरा फटाफट बताइएगा. इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ इट इज़ रेक्टेंगुलर. और रेशियो क्या है इसका, वॉट इज़ द रेशियो गाइज? द रेशियो इज़ 3:2. क्या रेशियो है इसका? 3:2 का दोस्तों आपका जो रेशियो है. सेकेंड सवाल यहाँ पर बनेगा, वेन वॉज द नेशनल फ्लैग अडोप्टेड गाइज? सिर्फ फटाफट बताइएगा, भारतीय जो अभी का फ्लैग है उसको अडॉप्ट कब किया गया था? द आंसर इज इट इज़ इन 1947. तारीख है 22 जुलाई. ये वही कर पाएंगे जो मेरे बहुत क्लोजली मेरे शोज को वॉच करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, अशोक चक्र कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्पोक्स? कितने आपकी डंडियाँ हैं अशोक चक्र में, ज़रा फटाफट बताइएगा. हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर पार्ट? जल्दी फटाफट बताइएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ 24. बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. What is the name of the concise collection of information or compendium launched by the Defence Ministry recently? हाल ही में जो एक compendium आप रिलीज हुआ है जो कि Defence Ministry के बारे में जानकारी आपको दोस्तों प्रोवाइड करता है. सवाल मेरा आपसे है कि ये compendium जो है इसका नाम क्या है? इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ स्वावलंबन. बेसिकली इट इज़ अ कंसाइज कंपाइलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. मेरा सवाल बनेगा, ज़रा फटाफट बता दीजिए मेरे को NIIU का फुल फॉर्म फटाफट. आई गिव यू 5 सेकेंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. यस, द आंसर इज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये इसका फुल फॉर्म है. बाकी स्वच्छ भारत अकेडमी गाइज आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर 60 मिनट्स का IVR प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप स्वच्छ भारत के बारे में जानकारी ले सकते हैं. कृषि में आपका जो है, बेसिकली इट इज़ अ डेटा रिकवरी सेंटर ऑफ द ICAR. ICAR का आपका डेटा रिकवरी सेंटर है. बाकी सेप 2.0 ये क्या है? स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. इसको किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल सही, इसको अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ATL ने लॉन्च किया है और डेल ने इसमें कोलैबोरेशन आपका किया है. ये तो ऑलरेडी आपको आता होगा, सब लोग इसका आंसर मेरे को दे पाएंगे. ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं जो कि ये रहा आपके सामने. अ टेक्निकल इनोवेशन हब ऑन कोबोटिक्स शैल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग IITs? इनमें से किस IIT में आपका एक टेक्निकल कोबोटिक्स जो है उसको सेटअप दोस्तों किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है कानपुर, रोपड़, गुवाहाटी, दिल्ली या फिर आपका मुंबई. कहाँ पर इसको सेटअप दोस्तों किया जा रहा है? एंड इसका जो आंसर आपके सामने दोस्तों है, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस इज, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ दिल्ली. दिल्ली में किया जा रहा है. द ओवरऑल अमाउंट गाइस, कितना अमाउंट है खर्चा इसमें, फटाफट बताइएगा. द आंसर इज़ 170 करोड़. कितना अमाउंट है आपका? 170 करोड़ अमाउंट है. विच डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इसको सेटअप कर रही है, जरा फटाफट बताइएगा. कौन सा डिपार्टमेंट इसको सेटअप कर रही है इंडिया में? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एब्सोल्युटली करेक्ट, DST सेटअप कर रही है. क्वेश्चन नंबर 3, जो लोग पूछ रहे हैं कोबोटिक्स का, होता है कल डिस्कस किया था मैंने सैटरडे को. क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड अ रूम डिसइंफेक्शन सर्विस या रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस? इनमें से किसने दोस्तों रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस UV सेफ लॉन्च किया है? इसका आंसर है आपका IIT रोपड़. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने दोस्तों शुद्धि पोर्टल लॉन्च किया है? शुद्धि नाम है उसका. एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ IIT कानपुर. एंड क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डेवलप्ड बैम्बू बेस्ड हॉस्पिटल बेड्स? बैम्बू के ऊपर हॉस्पिटल बेड्स, मतलब बैम्बू से बने हुए हॉस्पिटल बेड्स, इनमें से किसने दोस्तों बनाए हैं? उसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ गुवाहाटी. गाइज फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो यार, हमें आज 700 क्रॉस करना है. ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को फटाफट शेयर करते रहो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. फटाफट वीडियो शेयर करते रहो. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बेसिकली अनवेल्ड अ न्यू लोगो ऑफ इट स्टेट? फटाफट गाइज, वी हैव टू क्रॉस 600. फटाफट दबा के वीडियो शेयर करो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनवेल्ड अ न्यू लोगो? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ झारखंड. क्वेश्चन 1, विच स्की योजना रिसेंटली वॉज लॉन्च बाय गुजरात? गुजरात में अभी हाल ही में एक योजना आपकी लॉन्च हुई है, उस योजना का दोस्तों नाम क्या है? फटाफट बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 2 गाइज,
800 kilometer roads of herbal roads will be set up in which state? Absolutely guys, बिल्कुल सही, कृषि सहाय योजना को गुजरात में लॉन्च किया गया है. ये रोड्स कहाँ बनी है आपकी? ऑप्शन ई सी दैट इज उत्तर प्रदेश इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, रिसेंटली 3GI टैक्स हैज बीन अलॉटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. अभी हाल ही में 3GI टैक्स अलॉट किया गया है किस पर्टिकुलर स्टेट को? द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज गोवा. इसमें सवाल बनेगा 2 मार्क्स का या 2.5 मार्क्स का कि उन 3GI टैक्स के नाम क्या, उनके नाम प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, वो यहाँ पर काफ़ी रेलिवेंट है. एंड क्वेश्चन नंबर फोर गाइज, महाजॉब्स पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. इनमें से किस स्टेट में दोस्तों लॉन्च किया गया? बिल्कुल सही, बनाना चिली है आपका, बिल्कुल सही, खेजा है या और हरमल मिर्च, हाँ आपका खाजा है या खेजा है आपका, चिली है और आपका साथी में, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही आंसर है. द आंसर इज इट इज़ महाराष्ट्र. मुशीरुल हसन स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज यूनिवर्सिटी. गाइज फटाफट शेयर करते रहो, हमें कम से कम 600 क्रॉस करना है. मुशीरुल हसन जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो इनमें से किस यूनिवर्सिटी में आपका दोस्तों स्टार्ट हुआ है? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी. वहाँ पर ही वॉज अ फॉर्मर प्रोफेसर, ही वॉज एक्स प्रोफेसर, लेट प्रोफेसर मुशीरुल हसन, उनके ही नाम पे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है. मेरा सवाल आपसे बनेगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी आपका जो है, वाई इज़ दिस यूनिवर्सिटी इन द न्यूज़? यूनिवर्सिटी आपकी दोस्तों अभी हाल ही में आपका न्यूज़ में क्यों था? Why was OP जनरल यूनिवर्सिटी इन द न्यूज़? फटाफट आंसर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन गाइज, मेरे को आंसर अभी तक नहीं आया है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही. ये क्या था आपका, जल्दी बताइएगा गाइज, फटाफट. ऑर्गेनाइजर था, किसका ऑर्गेनाइजर था आपका, जल्दी से गाइज. बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है आपका 1DU करके एक पोर्टल, उस वजह से आपका ये दोस्तों जो है वो आपका न्यूज़ में था. एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर जो कि ये रहा. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही. चलिए यस 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 बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. शौर्या KGC कार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स. इनमें से दोस्तों जो शौर्या KGC कार्ड है उसको हाल ही में किसने दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ द HDFC बैंक. यहाँ मेरा आपसे पहला सवाल बनेगा गाइस, इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स को किसने लॉन्च किया है? सवाल बहुत ही सिंपल सा है, इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स को. गाइज ओनली 540 पीपल वॉचिंग, वी हैव टू क्रॉस 600 गाइज, फटाफट दबा के वीडियो शेयर करो. ये किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है आपका ICICI बैंक, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर टू गाइज, 24.19% स्टेक इन डिश टीवी हैज़ बीन अक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. द आंसर इज आपका ऑप्शन डी दैट इज येस बैंक. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, फॉर फ्रैंकलिन टेम्पलटन Which of the following is a advisor? Which of the following bank is an advisor to Franklin Templeton? The answer is option E, that is Kotak Mahindra. Question number four, guys. VCare Deposit is a FD deposit scheme for senior citizens launched by which of the following? इनमें से किसने दोस्तों लॉन्च किया है आपका VCare Deposit? फटाफट बताइएगा मेरे को. इसका दोस्तों आंसर जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ऑप्शन ए दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. योनो ऐप हैज़ इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन. योनो ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स. इनमें से किससे संबंध है आपके दोस्तों योनो बैंक का? ज़रा फटाफट आंसर दीजिएगा इस सवाल का, किससे संबंध है दोस्तों आपके योनो ऐप का? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी दैट इज SBI. और इसका नाम है, इस योनो का फुल फॉर्म है यू नीड ओनली वन, दैट इज़ द फुल फॉर्म वाइज. डिफेंस फॉलो 190 पीपल आर वॉचिंग, फटाफट वीडियो को शेयर करो यार, 200 तो क्रॉस करना है ना आपको. येस तो इसका जो आंसर आपके सामने है दोस्तों दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ यूनो ऐप. क्वेश्चन नंबर टू गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अलाउड बाई द RBI टू लॉन्च अ नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी. ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये मेरे रेगुलर व्यूअर्स को आता होगा जो मेरा 8 AM का और 4 PM का शो देखते होंगे. RBI ने अभी हाल ही में नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी जो है ये किसको अलाउ ओपन करने को अलाउ किया है? ज़रा फटाफट आंसर कीजिएगा गाइज. 550 व्यूअर्स अप, बस 50 बचे हैं, ज़रा फटाफट शेयर कर दो ताकि हम 600 क्रॉस कर जाए. जल्दी शेयर कर दो वीडियो सो दैट वी कैन रीच अबव 600 पीपल, फटाफट शेयर कर दो. येस इसका आंसर दोस्तों है आपका साउथ इंडियन बैंक. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, इंस्टाग्राम सर्विस को इनमें से किसने अवेल किया है? आई अगेन रिपीट, इंस्टाग्राम सर्विस इनमें से किसने दोस्तों अवेल किया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी
वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, किसने अवेल किया इस पर्टिकुलर सर्विस को? तो इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी दैट इज़ SBM. SBM ने इसको रेज किया है. और रमेश बोद्धू साहब इनमें से किसके दोस्तों आपके MD CEO थे, इनमें से किसके दोस्तों राकेश या रमेश बोद्धू साहब? द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ फेडरल बैंक. नाम पूरा हूँ इनका पर बोद्धू नाम है इनका. अच्छा गलती हो गई मेरे शायद, हाँ गलती हो गई गाइस, इसके नहीं है, वो करूर वैश्या बैंक है. मेरी मिस्टेक हो गई यार, मम्मी बचाओ मेरे को, वो करूर वैश्या बैंक है, मेरी मिस्टेक है गाइस. हाँ, वो करूर वैश्या बैंक है भाई, मेरी गलती है, आप लोग मुझसे बेटर हो. यस हाँ, वो करूर वैश्या बैंक है, मेरी गलती हो गई गाइस. यस कोई कमेंट मत करना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन असम शैल कवर ऑल अदर गवर्नमेंट स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? इनमें से दोस्तों वो कौन सी स्कीम है जो बाकी हर स्कीम को दोस्तों कवर कर जाएगी असम के अंदर? जरा फटाफट इसका आंसर दीजिएगा. उस स्कीम का दोस्तों नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम? तो उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ दी अरुणोदय स्कीम. गाइस अरुणोदय स्कीम की बात बाद में करेंगे, पहला सवाल मेरा आपसे ये किस स्टेट का है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको असम का है. सिमिलरली सीमैट और सीमा स्कीम कहाँ के हैं दोस्तों? ये आपके मणिपुर के हैं, मणिपुर में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और आर्टिसंस के लिए. और अंदर स्वर्ण नियोजन ये भी आपका दोस्तों असम का स्कीम है, जहाँ पर 30,000 rupees वर्थ ऑफ ज्वेलरी विल बी प्रोवाइडेड टू द ब्राइड ऑफ अ इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली, उसको इतने पैसे दिए जाएंगे. अगर अरुणोदय की बात करें, सवाल मेरा पहला आपसे बनेगा गाइस कि हाँ सवाल मेरा पहला आपसे बनेगा टोटल एनुअल कितना पैसा दिया जाएगा, पर मंथ कितना खर्चा होगा बजट में इनके? दी आंसर इज़ इट इज़ 210 crore. कितना खर्चा होगा गाइस? 210 crore. क्वेश्चन नंबर टू गाइस, फैमिली हैविंग लेस दैन वॉट इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन दिस स्कीम? अगर किसी फैमिली की इतनी इनकम से कम होगी कि इनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो अगर फैमिली की इनकम 200,000 rupees से साल भर में कम है तो उसको इसमें दोस्तों जो है वो इंक्लूड किया जाएगा गाइस. यस इट्स 830, हाँ 830 rupees पर मंथ दिए जाएंगे टू एवरी फैमिली, एब्सोल्युटली करेक्ट. 850 नहीं 830 है, बिल्कुल सही. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा आपके सामने. यस एंड ये रहा आपके सामने गाइस, एंड दिस इज द क्वेश्चन. टेरी हैज़ लॉन्च एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इनमें से किस शहर के लिए टेरी ने दोस्तों लॉन्च किया है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम? बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल का जवाब तो आपको आना चाहिए. एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज इज इट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ गुवाहाटी. दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर वन, द फर्स्ट 24/7 डिजिटल पोस्टल सर्विस हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कहाँ पर 24/7 यहाँ पर डिजिटल पोस्टल सर्विस लॉन्च हुई है? द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ कोलकाता, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर टू गाइज, मेगा संदेशा इज़ एन ऐप लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? इनमें से किस सिटी में दोस्तों वो ऐप है मेगा संदेशा, उसको लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी दैट इज़ बेंगलुरु. क्वेश्चन थ्री, चेन्नई विल बी कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑप्टिकल फाइबर सी केबल सर्विस? इनमें से चेन्नई के साथ जो सी केबल सर्विस है उसको किसको कनेक्ट किया जाएगा? द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर. दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर गाइज, प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द पोर्टल और द ऐप लॉन्च बाय मुंबई अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज एंड ब्रिहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. वो ऐप आपकी फ्लड वार्निंग की है, उसका नाम क्या? उसका नाम दोस्तों है आई फ्लोस. क्या नाम है उसका? आई फ्लोस. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर्स? गिव मी अ थम्स अप फर्स्ट टाइम व्यूअर्स गाइज, बिकॉज अगर आपको अजीब लग रहा होगा, लगेगा अजीब, बट गाइज गिव मी वन वीक एंड आई विल मेक यू अ बेटर स्टूडेंट. ऑल राइट, एक हफ्ता मेरे को दीजिए आप. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर स्पेस कोऑपरेशन? भारत ने हाल ही में इनमें से किसके साथ एक MOU साइन किया? गाइज ओनली 580 पीपल वॉचिंग, फटाफट दबा के वीडियो शेयर करो, हमें 600 क्रॉस करना है. निकार का गुआ, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर आपका नाइजीरिया? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन ई दैट इज़ आज नाइजीरिया. नाइजीरिया ने ये अग्रीमेंट दोस्तों जो है उसको साइन किया है. क्वेश्चन नंबर वन गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 87th मेंबर ऑफ द ISA? इनमें से दोस्तों कौन आपका 87th मेंबर है ISA का? द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ निकार का गुआ. क्वेश्चन नंबर टू गाइज, रिसेंटली गाइज $250 million ऑफ सपोर्ट हैज़ बिन गिवन बाई इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ मालदीव्स. मालदीव्स को अभी हाल ही में 250 million दिए गए, इनफैक्ट इनको 500 million दिए गए हैं ओवरऑल.
ओवरऑल इनको 500 मिलियन दिए गए हैं, ठीक है, 250 मिलियन पहले दिए गए, ओवरऑल 500 मिलियन दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, माउंट मेरापी एंड अनदर वोल्केनो हैव इरप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से किस कंट्री में आपका इरप्ट हुआ है, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज इंडोनेशिया। एंड क्वेश्चन फोर गाइस गोटाबाया राजपक्से इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किसके प्रेसिडेंट है आपका गोटाबाया राजपक्से। सुमोना जी अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं ना आपको, एब्सोल्युटली करेक्ट इज श्रीलंका। इंडिया ने इनके साथ अभी $400 मिलियन का अग्रीमेंट भी किया है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया इज एमिंग टू अचीव जीरो रोड फसल फैसिलिटीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इनमें से किस साल तक आपके जीरो रोड फसल फैसिलिटीज को अचीव करेगा इंडिया, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज 2030। गाइस जस्ट 20 पीपल अवे गाइस, फटाफट लेट्स शेयर द वीडियो ताकि हम 600 क्रॉस कर जाए, फटाफट लेट्स शेयर द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, मैं सवाल आपसे यहाँ पर बनेगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग गगनयान मिशन आपका कब लॉन्च होगा, जरा फटाफट बताइएगा, द आंसर इज इट इज 2022। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, व्हेन इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट, द आंसर इज आपका 2030, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोजेक्ट आर्टेमिस आपका इनमें से कब कंप्लीट होगा, द आंसर इज इट इज 2024, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। एंड 2027 क्यों खास है, व्हाई इज 2027 खास, पहला इसलिए खास है बिकॉज ब्रिटेन हैज सेड दैट ऑल इट्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स विल रिमूव द हुआवी इक्विपमेंट्स फ्रॉम इट्स सर्विसेज, उस वजह से खास है। इसके अलावा क्यों खास है आपका 2027, जरा फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। यस, पुराने नहीं है सर, एक दिन पुराने हैं, यस बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच स्टेट हैज़ रिटेन द टॉप पोजिशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, इट इज उड़ीसा, जो कि आपका नंबर 1 रैंक पे है, आपका चंडीगढ़ सेकेंड पे है, और आपका थर्ड पे जो है दैट इज तेलंगाना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए तो गाइज, अगर आपका स्कोर अभी 15-15 है तो आप जानते क्या हैं, आप हैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस। अगर आपका स्कोर 14-15, आप जानते क्या हैं, आप हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगर आपका स्कोर 13 है, जानते हैं आप क्या हैं, आप हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर। अगर आपका स्कोर 12-15 जानते हैं दोस्तों, आप जानते क्या हैं, आप दोस्तों हैं विराट कोहली। अगर आपका स्कोर दोस्तों 8-11 जानते हैं आप क्या हैं, आप हैं रविंद्र जडेजा। अगर आपका स्कोर दोस्तों 5 जानते हैं तो आप क्या जानते हो, आप यू हैं युजवेंद्र चहल, ठीक है, उनकी शादी हुई है, तो उनकी एंगेजमेंट हुई है, उसके लिए भी शुभकामनाएं क्या होता है, शुभकामनाएं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, पर उससे पहले आई वांट एवरीवन, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए, कितने लोगों को उसको पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए गाइस, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, इसमें पीडीएफ मिलेगा, पोल्स होंगे, क्विज होंगे, इसमें प्लीज़ ये एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो आते हैं ज़रा अब हमारे आज के, ओके, आज मैंने कुछ डिफरेंट किया है, टुडे आई हैव डन समथिंग डिफरेंट ये किया है, आज मेरे पास करीब 20 हेडलाइंस हैं फ्रॉम द हिंदू, इसीलिए पीआईबी एंड बर्निंग इश्यूज, पीआईबी एंड बिग स्टोरीज, इनको हम आज शाम को डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज, पीआईबी एंड बिग स्टोरी को हम आज शाम को डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज, क्लियर है? ऑलराइट, चलिए आते हैं हमारे आज के द हिंदू एनालिसिस पर, जो कि ये रहा आपके सामने, पहला हेडलाइन पर आते हैं, अ न्यू रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नोवल कोरोना वायरस दैट यूजेस सलाइवा सैंपल्स वॉज ग्रांटेड एन इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन बाय द USFDA। लार के नमूनों का उपयोग करने वाले उपन्यास करने वाले नए कोरोना वायरस के लिए एक नया तेजी से निदान परीक्षण अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाई इज इट इन द न्यूज, आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेस्ट का नाम है आपका सलाइवा डायरेक्ट, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सलाइवा डायरेक्ट। बेसिकली इट विल यूज द सलाइवा सैंपल्स एज अपोज टू स्वॉप्स, कई बार आप देखा होगा ये आपकी नाक है और यहाँ पर घुसेड़ दिया किसी ने स्वॉप, बड़ा अजीब लगता होगा आपको, है ना, कितने लोगों को अजीब लगता है, कितने लोगों ने कराया हुआ है इसको। सो बेसिकली इसकी जगह अब आपका सलाइवा, आपकी जो होती है ना लार, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी यूज। ऑलराइट, इसका कॉस्ट जो है दैट विल बी लेस दैन $3, और इसको डेवलप किया है येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इन पार्टनरशिप विद NBA, दैट इज़ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उन्होंने दोस्तों इसको जो है वो डेवलप किया है। तो स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने, द नेम ऑफ द टेस्ट गाइस इज सलाइवा टेस्ट, इसको डेवलप किया है येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने, द कमिश्नर फॉर द FDA गाइस इज स्टीफन हान, द टेस्टिंग वॉज डन इन प्लेयर्स ऑफ
नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एंड इसका कॉस्ट जो है दैट इज़ बिटवीन 1.29 to $4.37 पर सैम्पल। तो एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव टेस्ट आपका आया है यूएसए के अंदर। याद रहेगा सबको, कंठस्थ हो गया, याद हो गया, हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, यस सर यस सर यस सर वी अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड अ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता एंड पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग। वेस्ट बंगाल के अंदर दो आपके जूज हैं जहां पर कि ऑनलाइन आपका स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है। पहला है आपका द कोलकाता जू ऑल्सो नोन एज द अलीपुर जू एंड सेकेंड जू आपका है दार्जिलिंग जू ऑल्सो नोन एज द पद्मजा जू। गाइज आई हैव बीन टू बोथ ऑफ दीज जूज गाइज एंड दीज जूज आर सो इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशली गाइज दार्जिलिंग के लोग कितने खूबसूरत हैं मैं क्या बताऊँ। वेस्ट बंगाल इज़ द बेस्ट स्टेट, इट इज़ द बेस्ट स्टेट, समझ रहे हैं आप लोग। सो ये दो जूज आपके जो हैं, ये जो आपके चिड़ियाघर हैं, इनका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो है वो आपका स्टार्ट हुआ है। एक सवाल मेरा आपसे बनेगा गाइज, रिसेंटली विच स्टेट्स जूलॉजिकल पार्क बिकेम द फर्स्ट नेशनल पार्क टू अडॉप्ट टू स्टार्ट अडॉप्शन एनिमल स्कीम, ये कौन सा वो स्टेट था? बिल्कुल सही, इट वॉज कर्नाटका, जहाँ पर कि आपका अडॉप्शन स्कीम स्टार्ट हुआ था आपका। यूपी तो सुपर बेस्ट, यूपी तो बेस्टेस्ट बेस्ट, यस हाँ, बनरघट्टा नाम है उसका एंड बनरघट्टा में अडॉप्शन आपका स्टार्ट हुआ था आपसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनेगा आपसे यहाँ पर कि गाइस विच नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स इन इंडिया, भारत में कोविड 19 से बचने के लिए जानवरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क आपका एक क्वारंटाइन सेंटर है? उसका आंसर है दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन बनेगा आपसे गाइस, विच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैज़ मोर दैन 674 लायंस, किस नेशनल पार्क में 674 लायंस है? तो उसका आंसर होगा आपका गिर फॉरेस्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एंड रिसेंटली विच एलिफेंट पार्क विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिक्स्थ नेशनल पार्क ऑफ असम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसका आंसर होगा आपका दहिंग पेटकाई, क्या आंसर होगा उसका? दहिंग पेटकाई, जो असम में है, पहले ये एलिफेंट रिजर्व था, ये अब आपका नेशनल पार्क में कन्वर्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतन चौहान जी, ही वॉज अ स्वॉश बॉक्लिंग ओपनर फ्रॉम इंडिया एंड ही प्लेड अलॉन्ग साइड गवास्कर, ही प्लेड मोर दैन 40 टेस्ट मैचेज एंड ही स्कोर्ड द मैक्सिमम रन्स विद नो सेंचुरीज एंड ही वॉज ऑल्सो अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट इन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड रिसेंटली गाइज ही हैज़ पास्ड अवे। इनका नाम है दोस्तों चेतन चौहान, इनका हाल ही में दोस्तों देहांत जो है वो हो गया है। ही इज़ द सेकेंड मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट इन यूपी जिनका देहांत हुआ, इनका नाम दोस्तों है आपका चेतन चौहान। आगे बढ़ते हैं गाइस। एनजीटी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट हैज सेट न्यू डेडलाइंस फॉर द रिजुवनेशन ऑफ पल्यूटेड बेलेंदूर वर्थूर अगारा लेक्स इन बेंगलुरु। एनजीटी ने गाइडलाइन दी थी कि March 31, 2020 तक गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है एनजीटी कमेटी को, पर अब इस कमेटी को 1 to 2 months का एक्सटेंशन दे दिया गया है। गाइज द लेक्स कंसर्न हियर, प्लीज इसको लिख लीजिएगा, बेलेंदूर वर्थूर एंड अगारा, ऑल ऑफ दीज लेक्स गाइज आर इन बेंगलोर। सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा दैट बेलेंदूर लेक इज़ इन विच सिटी, द आंसर इज इट इज़ आपका कर्नाटका या फिर बेंगलोर, नंबर वन। नंबर टू गाइज एक चीज़ और ज़रा समझिएगा ध्यान से आप, सवाल एक और बनेगा, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट वॉज गिवन अ नोटिस बाय एनजीटी फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल इन डिब्रू साइखोवा, एक ये सवाल भी बनेगा आपका। तो इसका आंसर दोस्तों जो होगा दैट इज़ असम, इसमें असम को भी, ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को भी, तीनों को लाइसेंस दिया गया था, तीनों को नोटिस दिया गया था। एक और सवाल बनेगा, हु इज़ द चेयरपर्सन गाइज ऑफ एन जी टी, द आंसर इज़ इट इज़ ए के गोयल। एक और सवाल ये बनेगा, एक और सवाल हो सकता है कि वेन वॉज द एन जी टी एक्ट पास्ड, द आंसर इज़ इट इज़ इन 2010, जब आपका एन जी टी एक्ट जो है ना उसको पास किया गया था। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, कतरा कतरा क्लियर हो गया, छप गया सबको, जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, छप गया छप गया छप गया, अयो रामा छप गया। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, 4G इंटरनेट सर्विसेज हैव बीन रिस्टोर्ड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गाइस आर उधमपुर एंड गंदेरबाल। यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर आपका ये जो आपका एक हाई स्पीड इंटरनेट है इसको दोस्तों आपका सेटअप किया गया, नंबर वन। नंबर टू, इंटरनेट सर्विसेज वो स्नैप्ड, मतलब सर्विसेज को बंद कर दिया गया था और इस साल पहली बार इनको लॉन्च किया गया, पिछले साल August 5 के करीब इनको दोस्तों बंद कर दिया गया था और इस साल पहली बार इनको फिर से लॉन्च किया गया है 4G के तौर पे। बाकी सिटीज़ में आपका 2G
चल रहा है, पर इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में उधमपुर एंड गंदरबाल में आपका दोस्तों 4G सर्विसेज को अलाउ कर दिया गया है। मेरा सवाल आपसे बनेगा गाइस, प्लीज़ टेल मी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, एक सवाल पहला मैंने आपसे यह है। सेकेंड सवाल मेरा आपसे है, रिसेंटली अ GI टैग वॉज गिवन टू जम्मू कश्मीर फॉर विच आइटम, ये दो सवाल मेरे आपसे हैं। देखिए पहले का आंसर है आपका बिल्कुल सही, इट इज़ मिस्टर मनोज सिन्हा, ये पहले का आंसर है। सेकेंड का आंसर है आपका कश्मीर सैफरन, इसको GI टैग आपका दोस्तों जो है ना वो दिया गया था, उस लिहाज से ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैज़ अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स फॉर अ मेजर एक्सपेंशन इन ऑल द बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। रक्षा मंत्री जी ने एक NCC के बड़े विस्तार की योजना को मंजूरी दी है, जिसे सभी सीमा से सटे और कोस्टल इलाकों में दोस्तों ऐड किया जाएगा। अब आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। 1 lakh कैडेट्स फ्रॉम 173 बॉर्डर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स विल बी एडेड टू द NCC। NCC का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। 173 बॉर्डर कोस्ट डिस्ट्रिक्ट से दे विल बी 1 lakh कैडेट्स विच विल बी एडेड। 1/3 ऑफ दिस कैडेट्स गाइज विल बी गर्ल्स। आउट ऑफ द 83 NCC यूनिट्स विच जिसको ऑपरेट किया जाएगा, उनमें 53 विल बी फ्रॉम आर्मी, 20 फ्रॉम नेवी एंड 10 फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। ऑन 15th of August इंडिपेंडेंस डे स्पीच मोदी जी हैड अनाउंस द प्रपोजल ऑफ एक्सपैंडिंग द NCC। इस प्लान को एक्सपैंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दी स्टेट्स, इनको स्टेट से हेल्प किया जाएगा। गाइज NCC का फुल फॉर्म नहीं पता है, पता कर लीजिएगा। NCC का फुल फॉर्म है आपका द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। गाइज फटाफट वीडियो शेयर करते रहो, हमें 600 क्रॉस करना है फटाफट। गाइज अगर हम NCC की बात करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो NCC एज एन ऑर्गेनाइजेशन गाइज वॉज सेटअप इन 1948, ऑल राइट, एंड इट हैज़ अप टू 1,50,000 कैडेट्स इन द कंट्री गाइज। एंड न्यू दिल्ली में इसके दोस्तों आपके हेडक्वार्टर्स हैं, एंड बेसिकली एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर बनती है। और इसके तो जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। ये इसके दोस्तों आपके डायरेक्टर जनरल का नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, याद रहेगा सबको। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर यस सर यस सर, हमें याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। ओके यस लेट्स प्रोसीड गाइस। इनका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, द मोटो इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके एक नज़र में मैंने देखा तो आई शपथ, ये तो भाई डोनाल्ड ट्रंप हैं, पर नहीं, ये तो उनके यंगर ब्रदर हैं, हिज नेम इज रॉबर्ट ट्रंप। रॉबर्ट ट्रंप गाइज हैज़ पास्ड अवे यस्टरडे गाइज, एंड ही पास्ड अवे इन अ न्यूयॉर्क हॉस्पिटल, एंड ही वॉज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड अ रियल एस्टेट डेवलपर। और इनका दोस्तों हाल ही में आपका देहांत, इनका नाम है दोस्तों आपका रॉबर्ट ट्रंप। आई वॉज नॉट अ NCC कैडेट, आई वॉज अ स्काउट। क्या बात है, सोचिए मैं क्या था, मैं स्काउट था। यस चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। USA Israel have established a direct phone services after the agreement which happened a couple of days back. Israel और UAE ने, विदेश मंत्रियों ने संबंधों को समान बनाने के लिए प्रत्यक्ष फ़ोन सेवाओं का उद्घाटन दोस्तों हाल ही में किया है। This particular service guys was inaugurated by the UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan and Israel's Gabi Ashkenazi. तो इन लोगों ने मिलकर इसको इनाग्रेट किया था। This particular deal of Israel is the third such deal done by Israel with the Arab country, but it is the first deal done with a Gulf country. ठीक है, ये तीसरा देश है अरब का देश जो जिससे कि इसराइल ने अग्रीमेंट किया है, पर गल्फ कंट्रीज़ में ये आपका पहला देश है, नंबर 1। नंबर 2, अंडर दिस पर्टिकुलर डील इसराइल ने कहा है कि जो ये रीजन है ना आपका वेस्ट बैंक का, इस रीजन में जो इसका एक एक्सपेंशन है उसको ये कम करेगा, जो इसमें एनेक्सेशन है, जो इसमें वो नई नई एरियाज़ को अपने पास ऐड कर रहा है, इसको वो दोस्तों क्या करेगा, इसको दोस्तों वो कैंसिल कर देगा। नाउ गाइस दिस वेस्ट बैंक इशू इज़ बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो ये एक बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर पैलेस्टीनियंस, बिकॉज इसने ऑलरेडी कहा है कि हम नहीं करेंगे, हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर ये आर्ट बैठा है कि दे विल नॉट एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर सर्विस। गाइस आपका UAE न्यूज़ में क्यों है, देखिए सबसे पहले आपका UAE न्यूज़ में है बिकॉज इन्होंने लॉन्च किया है आपका होप मिशन। सवाल मेरा बनेगा होप मिशन किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर होगा आपका जापान ने दोस्तों इस मिशन को लॉन्च किया है।
गाइज प्लीज लेट्स शेयर द वीडियो, 600 तो क्रॉस करना है ना, फटाफट दबा के वीडियो शेयर करते रहो। क्वेश्चन टू गाइज, रिसेंटली IPL भी आपका UAE में होगा और मेरा सवाल आपसे बनेगा, जो पहला न्यूक्लियर प्लांट है उसका नाम क्या UAE का, जिसने की क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट गाइस, जरा फटाफट बताइएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, द नेम इज बराक, उसका नाम दोस्तों जो है वो आपका बराक है। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, एक आपका शिप था, जापानी शिप था, ऑलराइट, और ये जापानी शिप जो था ना, इस शिप ने दोस्तों एक तरह से इट हिट द रीफ ऑफ मॉरिशियस, मॉरिशियस का रीफ दोस्तों इसने जो है ना वो हिट किया था, जिसके बाद से आपका ऑयल स्पिल आपका हुआ है मॉरिशियस में। एंड इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि नाउ दिस पर्टिकुलर शिप गाइस उसके दो हिस्से हो गए, ठीक है, उस शिप के दोस्तों जो हैं वो आपके दो हिस्से हो गए, ठीक है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि उस शिप का नाम क्या है, द नेम ऑफ द शिप गाइस इज MV वकाशियो, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द शिप। द शिप गाइस गॉट हिट द सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, जिसकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये इमेज है, इसका ये जो कोस्ट है आपका ना, दिस इज बेसिकली द, जब मैं आपको हटा दूँ, दिस इज बेसिकली द सदर्न ईस्टर्न कोस्ट, इसको हिट किया था इस पर्टिकुलर शिप ने, और मिलियन और ऑयल स्पिल आपका यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ था, और अब ये शिप जो है आपका दो हिस्सों में दोस्तों आपका जो है ना वो बट गया, इस वजह से आपका ये न्यूज़ में है। तो ये हमारी खबर थी। अब यहाँ पर एक सवाल बनेगा आपसे मेरा, ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी गाइज, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस, द आंसर इज इट इज़ पोर्ट लुई, ये यहाँ का कैपिटल है। सेकेंड सवाल बनेगा, अ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग was inaugurated by the Mauritian Prime Minister along with which other country's Prime Minister, किसके साथ हुआ था ये, इसका आंसर दोस्तों जो है इंडिया के PMG ने वर्चुअली इसको किया था। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री गाइस, what is the currency of Mauritius guys, the answer is it is rupee, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर जो कि ये रही, कैरी लाम हैज़ रिटर्न द फेलोशिप्स ऑफ अ UK यूनिवर्सिटी। कैरी लाम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कैरी लाम कौन है, कैरी लाम गाइस जो लोग नहीं जानते हैं, शी इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हांगकांग, ठीक है, ये वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हैं हांगकांग की। एंड रिसेंटली UK ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ऑन हांगकांग बिकॉज ऑफ अ न्यू एक्सट्रेडिशन लॉ विच हैज़ बीन पास्ड बाय चाइना, तो उसकी वजह से जो कैरी लाम हैं उन्होंने एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम है कैम्ब्रिज, ये सुना ही होगा आपका, इसका एक कॉलेज उसका नाम है वॉल्फसन, उसका जो एक ऑनरी डिग्री है, जो एक उसका एक फेलोशिप है, उसको इन्होंने रिटर्न किया है, उसको इन्होंने वापस कर दिया है, क्या किया इन्होंने, रिटर्न किया है उसको। रिसेंटली का एक सवाल आपसे पूछूंगा, रिसेंटली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हांगकांग वॉज एक्सटेंडेड, कुड समवन टेल मी What is the name of the assembly guys? ज़रा फटाफट बताएंगे मेरे को आप, जल्दी से बताएंगे उस असेंबली का दोस्तों नाम क्या है, ज़रा बताएंगे मेरे को आप, यस उसका नाम दोस्तों जो है दैट इज़ लेको, क्या नाम है उसका, लेको। क्वेश्चन टू बनेगा गाइस कि when did हांगकांग बिकेम एन SAR ऑफ चाइना, when did हांगकांग बिकम अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, द आंसर इज 1997, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके लुइस हैमिल्टन द करंट वर्ल्ड चैम्पियन गाइस हैज़ रिटेन्ड हिज चैम्पियन हैज़ वन हिज 88th Formula 1 चैम्पियनशिप Formula 1 विक्ट्री एंड हिज 156th पोडियम फिनिश एज अ विनर व्हेन ही हैज़ वन द स्पैनिश ग्रांड प्री, अभी हाल ही में स्पैनिश ग्रांड प्री हुई थी उसको इन्होंने फिर से दोस्तों जो है वो जीता है। इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडिंग्स गाइस एट सेकेंड वी हैव मैक्स वर्स्टैपन जो कि अब सेकेंड पे हैं रैंकिंग्स में एंड थर्ड पे आपके हैं वोल्टेरी बोटास वो आपके थर्ड पे हैं एंड ओवरऑल कंस्ट्रक्टर चैम्पियनशिप में आपका मर्सिडीज जो है वो आपका नंबर वन पे बना हुआ है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर देखिएगा। इस रिजल्ट में आपके वर्स्टैपन सेकेंड पे आए और बोटास आपके यहाँ पर थर्ड पे आए।
Could someone tell me, guys, Lewis Hamilton belongs to which country? And the answer is absolutely correct. He belongs to Great Britain. And इनकी गाड़ी क्या, इनकी गाड़ी का नाम है दोस्तों आपकी Mercedes. क्या गाड़ी का नाम है इनके? Mercedes. Absolutely correct, guys. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay. प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. इसके बारे में आज हमारे पास दो हेडलाइंस हैं. हम उन दोनों हेडलाइंस को यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द गवर्नमेंट गाइस हैज कॉन्सेप्चुलाइज्ड द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन विच विल हेल्प इंडियंस हैव अ हेल्थ आइडेंटिटी डिजिटली एज वेल एज दे कैन वर्क इन ईच वंस हेल्थ अकाउंट. सरकार ने एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करेगा जो हर भारतीय को डिजिटल रूप से एक स्वास्थ्य पहचान देगा और प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगा. तो आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये था आपके सामने इस पर्टिकुलर स्पीच में. उन्होंने इसके अलावा भी कई बातें कही. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इट वाज द 74th इंडिपेंडेंस डे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईच इंडियन विल हैव अ हेल्थ आईडी व्हिच विल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट डिजीज वन सफर्स फ्रॉम, व्हिच डॉक्टर हैज बीन कंसल्टेड एंड व्हाट मेडिसिन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड. देखिए तीन चीज़ें होंगी. पहला होगा यू विल हैव अ हेल्थ आईडी इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट डिजीज यू हैव, आपको कौन सी बीमारी है फर्स्ट, किस डॉक्टर को आपने कंसल्ट किया है एंड थर्ड मेडिसिन कौन सी आप ले रहे हो. दीज थ्री थिंग्स विल बी इन दिस पर्टिकुलर हेल्थ आईडी. इसके अलावा इन द स्पीच गाइज ही ऑल्सो सेड दैट मोर देन 5 crore सैनिटरी नैपकिन एंड पैड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ₹1 एट 6,000 जन औषधि केंद्र. जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, उनको करीब 5 crore सैनिटरी पैड्स बेचे गए हैं और दे हैव बीन सोल्ड एट ₹1 फ्रॉम जनऔषधि केंद्रास. गाइज इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन सेंटर्स. ऑलराइट, रिसेंटली इन द बजट वाज सेड दैट 2,000 मेडिसिंस विल बी एडेड टू दीज सेंटर्स. मेरा सवाल आपसे बनेगा गाइज, प्लीज़ टेल मी व्हेन इज़ द जन औषधि दिवस. ज़रा फटाफट बता दीजिए मेरे को किस दिन आपका पड़ता है जन औषधि दिवस. ज़रा फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में. इसके अलावा गाइस, ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू 6 lakh विलेजेस. इन फैक्ट ऑप्टिकल फाइबर विल ऑल्सो कनेक्ट लक्षद्वीप इन द नेक्स्ट 1,000 days. आने वाले 1,000 दिनों में आपका लक्षद्वीप जो है ना उसमें भी सी केबल आपका होगा. हाँ, द आंसर इज इट इज 7th March. इट इज 7th March यार, 7th March मेरे हिसाब से. 31st March नहीं, 7th March है. हाँ, इसके अलावा दे विल प्रोवाइड 25,000 crore सपोर्ट टू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो कि अभी फंसे हुए हैं. उसके लिए 25,000 crore रुपये यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड किए जाएंगे. आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको. ये रहा आपके सामने. मिस्टर मोदी ऑल्सो सेड दैट 3 vaccine कैंडिडेट्स अगेंस्ट COVID-19 आर बीइंग डेवलप्ड एट वेरियस स्टेजेस. नंबर 1. नंबर 2, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एवर. भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं अभी तक जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात की है, महिलाओं के हेल्थ के बारे में बात की है. और उन्होंने कहा है कि अच्छा गलती हो गई गाइस. ओके, आंसर होगा 5 crore. माफ़ करना, मेरे आँखें ख़राब हो गई हैं, टेस्ट कराना पड़ेगा. हाँ, 5 crore सैनिटरी नैपकिन जो है ना उनको दिया गया है ₹1 अमंग 6,000 जनऔषधि केंद्रास में. ये मेरी गलती है गाइस. इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी आपकी की जाएगी ऑल विलेजेस इंडिया में इन द नेक्स्ट 1,000 days. एंड लक्षद्वीप को भी कनेक्ट किया जाएगा. इसके अलावा गाइस, जैसे मैंने पहले बताया आपको, NCC जो है ना उसको रेज किया जाएगा टू 1 lakh more कनेक्ट्स. ठीक है, समझ में आ गया, कतरा क्लियर हो गया. कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वी हैव अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर. जैसे मैंने पहले कहा था गाइस, इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच द गवर्नमेंट द मोदी जी हैज सेड दैट दे मे री लुक एट द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमन. कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महिलाओं की विवाह की जो उम्र है उस पर पुनर्विचार करने की योजना बन सकती है. नाउ गाइस, दिस इज नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अच्छा, मेरा एक सवाल समझिएगा एक. अच्छा ओके, मोनल जी, एज है 18 फॉर वुमन एंड 21 फॉर मेल. ठीक है, अब एक सर्वे आया, सर्वे में कहा गया है कि द चांसेस ऑफ द चिल्ड्रन बिकमिंग स्टंटेड, मतलब उनकी हाइट कम होना, या द चिल्ड्रन बिकमिंग मैल न्यूट्रिशन, उनका कुपोषण का शिकार होना, उसके चांसेस ज़्यादा हैं अगर द वुमन हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड बिफोर और एट 20, मतलब 20 साल से कम की उम्र में अगर किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि द चाइल्ड विल बी स्टंटेड और द चाइल्ड विल बी मल न्यूट्रिशन. तो इसकी वजह से ये बात कही गई है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है गाइस, स्पेशली इन द बजट
ऑलरेडी बजट में इसके बारे में कहा गया था, वन सेकेंड, ऑलरेडी बजट में इसके बारे में कहा गया था दैट अ टास्क फोर्स विल बी प्रपोज्ड टू लुक इन टू द एज ऑफ अ गर्ल एंटरिंग मदरहुड. एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि एक महिला कब माँ बन सकती है. इसके लिए इन जून 2020 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड जया जेटली कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली वेलफेयर. ये कमिटी ने अभी तक रिपोर्ट अभी पेश नहीं की है. दिस कमिटी वॉज कंसर्न्ड रिगार्डिंग दिस वुमन, नॉट वुमन मैरिज गाइज, फॉर वुमन मदरहुड. अंतर है, वुमन मैरिज की बात नहीं कर रहा, वुमन मदरहुड की बात कर रहा हूँ. अ स्टडी बाय IFPRI एंड लैंसेट ने कहा था कि चिल्ड्रन बॉर्न टू एडोलेसेंट मदर्स, मतलब जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष के बीच है, उनमें 5% ज़्यादा संभावना है कि उनके बच्चे जो हैं वो शॉर्टर पैदा होंगे अगर एक महिला माँ बनती है 20 से 24 साल के अंदर. तो अगर 20 साल से कम है, 10 to 19 है, तो 5% मोर चांसेस हैं ऑफ स्टंटिंग. और अगर महिला माँ बनती है 20 से 24 साल में तो चांसेस उतने ही ज़्यादा आपके कम हैं. सबको समझ में आ गया? प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. यस सर, 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 वी हैव अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं गाइस. ओके, द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एम्स एट लिबरेटिंग सिटीजन्स फ्रॉम द चैलेंजेस ऑफ फाइंडिंग द राइट डॉक्टर्स, सीकिंग अपॉइंटमेंट, पेइंग कंसल्टेशन फी एंड मेकिंग सेवरल राउंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन शीट्स. जो ये मिशन आपका होगा, इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को सही डॉक्टर्स को ढूंढने में हेल्प करना, नियुक्ति पाने में, उनका उनका कंसल्टेशन पाने में, परामर्श शुल्क का भुगतान करने में और पर्चे शीट की एनडी अस्पतालों में कई चक्कर नहीं लगाने में. तो एक तरह से दिस मिशन विल हेल्प मेक इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन हेल्थ सेक्टर बेटर. तो उसके लिए इस मिशन को दोस्तों आपका लॉन्च किया गया है. दिस मिशन विल बी डिज़ाइंड, बिल्ड, रोल्ड आउट एंड इम्प्लीमेंटेड. ये इस मिशन का जो इस मिशन की जो रूपरेखा है, इसका जो बिल्डिंग है, इसका जो रोलिंग आउट है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसे किया जाएगा बाय द NHA विच ऑल्सो मैनेजेस द आयुष्मान भारत योजना. इस मिशन को टेस्ट किया जाएगा फर्स्ट इन चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, मतलब इन यूनियन टेरेटरीज में इसको टेस्ट किया जाएगा. इसका मेन मकसद है टू रिड्यूस द गैप अमंग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. मतलब जो एक गैप है डॉक्टर्स में, हेल्थ केयर वर्कर्स में, हॉस्पिटल्स में, उस गैप को कम करना. एंड इट इज़ बीइंग लेड बाय द CEO ऑफ NHA, मिस डॉक्टर इंदु भूषण. NHA का फुल फॉर्म क्या है आपका? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. समझ में आ गया सबको? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वी हैव अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं गाइस. ओके गाइस, इन द प्रीवियस करंट अफेयर ऑन सैटरडे मैंने कहा था आपसे दैट देर आर स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा विच इज़ अंडर द सिक्स शेड्यूल, कहा था मैंने आपसे. एंड दीज ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ फॉर्मिंग दी ऑटोनोमस काउंसिल. ये मैंने आपसे कहा था ना, बताया था ना मैंने आपको ना, एक बार कमेंट कर दीजिएगा. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मैंने बताया था. अब अरुणाचल प्रदेश इज नॉट इन द सिक्स शेड्यूल. अरुणाचल प्रदेश गाइज इज इन द फिफ्थ शेड्यूल, सो इट कैन नॉट फॉर्म अ ऑटोनोमस काउंसिल. ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, हाँ बताया था. नाउ अरुणाचल प्रदेश हैज सेट अप अ 9-member कमिटी विच विल डिस्कस एंड अराइव एट अ पॉसिबल सोल्यूशन टू द टची इशू ऑफ क्रिएशन ऑफ 2 ऑटोनोमस काउंसिल्स इन द स्टेट. अब अरुणाचल प्रदेश ने अपने प्रदेश के अंदर एक 9-member कमिटी बनाई है एंड दैट कमिटी विल डिसाइड हाउ कैन वी क्रिएट 2 ऑटोनोमस काउंसिल्स इन द स्टेट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी. इस कमिटी के हेड हैं आपके द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन. चीफ मिनिस्टर कौन है आपके? पेमा खांडू. पर कौन लीड कर रहे हैं इसको? चाउना मेन. द टू रीजन्स विच आर अंडर डिस्कशन फॉर बींग कन्वर्टेड इन टू ऑटोनोमस काउंसिल, उनके नाम है मॉन ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो नोन एज मैक एंड पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल ऑल्सो नोन एज PAC. ओके, एक सवाल आया यहाँ पर देवीश्री रेड्डी का. देवीश्री रेड्डी, आई एम प्रिटी सर्टन यू आर नॉट अ रेगुलर व्यूअर. अगर आप रेगुलर व्यूअर होते, सवाल नहीं पूछते. ऑटोनोमस काउंसिल्स आर रीजन्स
which have their own governance, which have their own rules, which are away from the normal state of the law, उसे हम autonomous council कहते हैं. 2004 में there was a discussion regarding the creation of MAR, sorry MAR, not MAC, MAR and PAC. Arunachal, as we all know guys, is in the fifth schedule, which states indigenous committees like Nagas do not enjoy the kind of rights their counterparts in the northeastern states enjoy. मतलब जो rights एक autonomous council को बाकी states में है, चाहे वो असम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, वो rights आपका अरुणाचल में नहीं होते हैं. इसका पहला रीज़न है दोस्तों, Chinese influence. ये एक influence है जिस वजह से नहीं किया गया. एंड सेकेंड, यहाँ पर एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है NCNIM, जो कि आपकी नागालैंड में है, पर वो यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, तो इनकी वजह से भी आपका ये एक बड़ा इशू है, एंड इस वजह से इसको फिफ्थ शेड्यूल में आपका रखा गया है. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. अब एक सवाल मेरा आपसे बनेगा, नागालैंड कौन से आपके आर्टिकल में है? बिल्कुल सही, द आर्टिकल इज, इट इज़ आर्टिकल 371A. आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर. डेनमार्क हैज़ सेड इट विल मेक द यूज़ ऑफ मास्क कंपल्सरी फ्रॉम माई बर्थडे. मेरा जन्मदिन है 22 अगस्त को, उस दिन से जो प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क, इनका नाम है मेटे फ्रेडरिकसन, शी हैज सेड दैट नो डेन विल बेसिकली कम आउट विदाउट अ मास्क. मतलब हर किसी को वहाँ पर मास्क पहनना ज़रूरी है, उस वजह से ये इम्पोर्टेंट है. मेरा सवाल आपसे बनेगा गाइस, पहला सवाल करेंसी क्या है डेनमार्क की, एंड सेकेंड आपका कैपिटल क्या है डेनमार्क. देखिए इसके बगल में आपका स्वीडन है, जिसका आपका कैपिटल है, आपका कैपिटल क्या, हाँ जल्दी बताइएगा, कोपनहेगन आपका कैपिटल है डेनमार्क का, एंड क्रोना, एंड क्रोन जो है आपकी, दैट इज़ दी करेंसी, दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रोना इज द करेंसी. बिल्कुल सही. और डेनमार्क, स्वीडन क्या कैपिटल है गाइस, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्वीडन गाइस, सिर्फ फटाफट बताइएगा स्वीडन कैपिटल क्या है जल्दी से. यस यस बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर. पेंटागन, नाउ गाइस पेंटागन क्या है? पेंटागन इज द डिफेंस हेडक्वार्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द USA. ठीक है, ऑफ, सो दे हैव सेड दैट दे विल सेट अप अ न्यू टास्क फोर्स अंडर द US नेवी टू इन्वेस्टिगेट अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स. जो आपके ऐसे UFO है, आपने देखी होगी मूवी कोई मिल गया जादू जादू, आप देखी होगी ना, तो उसमें उसके हिसाब से बात करें तो UFO को ट्रेस करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वी हैव अ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसको लेकर ये कमिटी आपकी जो है ना उसको बनाया गया है. द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क फोर्स गाइज इज कॉल्ड एज UAPTA. इसका नाम क्या है? इसका नाम है UAPTA, जिसका फुल फॉर्म है आपका अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स, ये इसका नाम है UAPTF. इसका पर्पस है टू इम्प्रूव इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड गेन इनसाइट इनटू द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ UAP, जो आपके अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना है उसकी जानकारी रखना. इस मिशन का मेन मकसद है डिटेक्ट करना, एनालाइज करना और UAPs के बारे में बताना US को कि वो कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं, उसको लेकर ये कमिटी, ये जो आपका एक टास्क फोर्स है उसे बनाया गया है. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर. ICICI बैंक ने रेज किए हैं 15,000 करोड़ फ्रॉम QIP. 15,000 करोड़ आपने आपके रेज किए हैं इन्हों से. मैंने ऑलरेडी गाइस QIP बारे में बताया हुआ है, कितने लोगों ने मैंने बताया दोस्तों है फटाफट बताइएगा. ओके, अगर हम इस पर्टिकुलर बात करें तो इसमें जो मेजर आपके इन्वेस्टर्स हैं वो आपके हैं मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, मॉर्गन स्टैनली एंड सोसाइटी, ये यहाँ पर मेजर आपके इसमें इन्वेस्टर्स हैं. ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, अ कपल ऑफ डेज बैक मैंने डिस्कस किया, जो लोग पूछना व्हाट इज QIP, मैं नहीं बताऊंगा आपको द रीज़न व्हाई, बिकॉज मैंने 2 दिन पहले बताया था आपको, प्लीज़ भी रेगुलर मैं आपको बताता रहूँगा. ठीक है गाइस, QIP का फुल फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. इट इज़ बेसिकली एन इन्वेस्ट, बेसिकली व्हेन अ कंपनी ऑफर शेयर्स टू द QIB. QIB मतलब क्या होता है आपका? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जब उनको वो दोस्तों शेयर्स प्रोवाइड करता है ना, उसे कहते हैं हम QIP. ठीक है गाइस, हाँ चलिए अब आते हैं. ओके गाइस, मैंने आपको बताया था ना एक हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में, मैंने बताया था आपको उसके बारे में, बताया था नहीं बताया था? बताया था आपको. ऑलराइट, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट वाज द 2005 अमेंडमेंट, क्या था इसमें अमेंडमेंट गाइस? तो इसका जो अमेंडमेंट था वो ये था कि इक्वल स्टेटस दिया जाएगा टू डॉटर्स एज को पार्टनर्स, उन्हें एज को पार्टनर्स इक्वल स्टेटस जो है ना
वो दिया जाएगा. द क्वेश्चन इज वॉट इज अ को पार्सनर. अ को पार्सनर इज अ पर्सन हु अक्वायर्स द राइट टू देयर फादर्स प्रॉपर्टी अपॉन बर्थ एंड कैन क्लेम पार्टीशन ऑफ द को पार्सनरी एट एनी टाइम. बात समझिएगा, एक को पार्सनर आपका एक ऐसा एक व्यक्ति था होगा जो अपने जन्म से ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है और आगे चलकर कभी भी वो पार्टीशन की बात कर सकता है. बेसिकली ये वर्डिट आपका जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी सच पार्टीशन प्रॉपर्टी विच हैज़ नॉट बीन पार्टीशन बिफोर December 2024. अगर इससे पहले पार्टीशन नहीं हुई है तो उस पर अप्लाई करेगा. एंड डॉटर्स क्या कर सकते हैं, डॉटर्स नाउ विल बी ट्रीटेड एज एट पार विद सन एज कोपा, मतलब उनको बराबर का मौका मिलेगा, बराबर का हिस्सा होगा आपका इस पर्टिकुलर एक्ट में. ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके सो विद दिस गाइज वी विल कम टू एन एंड. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. अब आपके लिए सवाल है मेरा आपसे, पहला फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दोस्तों आपसे यहाँ पर है, हु इज द कॉमर्स मिनिस्टर एंड वॉट इज हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. पहला सवाल आपसे मेरा है. सेकेंड क्वेश्चन है गाइज, हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ UK. ये सेकेंड सवाल मेरा आपसे है. क्वेश्चन थ्री, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड. अभी हाल ही में बने हैं ये. मोहम्मद इरफान अली इज अ हेड ऑफ द स्टेट इन विच कंट्री. किस स्टेट के आपके हेड हैं मोहम्मद इरफान अली. तो ये चार सवाल के जवाब आपको दोस्तों देने हैं. इन द मीन टाइम गाइज प्लीज़ क्विकली एवरीवन जॉइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल गाइज. इस पे PDF मिलेगा आपको, साथ ही में स्टडी क्विज और पोल्स और सब कुछ मिलेगा. ये मेरा और यशी का ग्रुप है. फटाफट एवरीवन जॉइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप गाइज. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज आपका आने के लिए, आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. धन्यवाद दोस्तों आपका यहाँ पर आने के लिए. एंड प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो ग्रुप.